हे ब्राउन पीपल, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपका दोस्त मनीष और मैं हरियाणा से हूँ एंड दिस इज़ माय फर्स्ट व्लॉग। सो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मेरे चैनल पे आपको 3 तरह की व्लॉगिंग देखने को मिलेगी, फिटनेस व्लॉगिंग, ट्रैवल व्लॉगिंग और स्टडी व्लॉगिंग। स्टडी व्लॉगिंग इसलिए क्योंकि मैं अभी फ़िलहाल गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो वो भी आपको पता चलता रहेगा कि मैंने कैसे कैसे क्या क्या किया। और जैसे कि आपको पता है कि मेरा पहला व्लॉग है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा पहला व्लॉग भी बहुत ही ज़्यादा स्पेशल हो, इसलिए मैं आपको मेरे पहले व्लॉग में एक बहुत ही स्पेशल जगह पे लेके जाना चाहूँगा। अभी मेरे को फर्स्ट व्लॉग शूटिंग करते करते सुबह से लेके रात हो चुकी है और अभी तक मैं तकरीबन 150 से ज़्यादा उससे भी कहीं ज़्यादा रीटेक ले चुका हूँ। ये वीडियो भी कम से कम हाफ एन आवर से ऊपर हो चुकी है, तो पता नहीं अभी भी कैसा आया है। और मैं जिस स्पेशल जगह की बात कर रहा था, वहाँ पे हमको वहाँ हम जाएंगे रात के तकरीबन 4 बजे। वही आपको वहाँ पे जाके बताएंगे कि क्या है कैसे है। सो तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। तो भाई सुबह के 4 बज चुके हैं। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि हम एक स्पेशल जगह पर चलेंगे, तो वो स्पेशल जगह यहाँ से तकरीबन 45 किलोमीटर दूर है और वहाँ पे हमें गाड़ी से जाना पड़ेगा, तो आपको वहाँ पे लेके चलते हैं। नान तक ना बढ़िया सही आवा है। तो भाई हम जो जगह बता रहे थे स्पेशल जगह, वहाँ पे हम पहुँच चुके हैं। अब तकरीबन 5:30 का टाइम हो चुका है, हमें यहाँ तक आने आने में 1 घंटा के करीब लग गया और 45 किलोमीटर के अराउंड था ये सफ़र जो भी था। और ये मेरा छोटा भाई, वो भी मेरा छोटा भाई पीछे, इसका नाम अंशु है, उसका नाम बोड़ा, मतलब साहिल है उसका नाम, लेकिन हम इसने बोड़ा का आग्रह। तो भाई मैं आपको दिखाता हूँ वो जगह जहाँ पे हम अभी बाहर खड़े हैं, उस जगह के मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे क्या कुछ है और हम कैसे कैसे जाएंगे, कैसे कैसे क्या करेंगे। अभी आपको आगे आगे ये चीज़ें दिखाता हूँ। तो भाई हम अपनी स्पेशल जगह पर आ चुके हैं, यहाँ से हम अब नहाएंगे और नहाने के बाद मंदिर तक जाएंगे। मेरी तो जाए वीडियो चल लगी वो मारे बजे तो चल लगी डट जा बोले भाई पहला व्लॉग है ये, पहले व्लॉग में मैंने इनका थोड़ा सा इंट्रो के ले दिया, ये इनके ह्यूमर है कि जो वीडियो है वो इनकी वजह से चल लगी। अगर चल लगी तो हम चला दो, चाहे इनकी वजह से चला दो चाहे मेरी वजह से चला दो। तो भाई हम मंदिर के घाट में पहुंच चुके हैं, अब यहाँ से हम नहाकर मंदिर की तरफ जाएंगे, जो कि यहाँ से तकरीबन 0.5 किलोमीटर या किलोमीटर के करीब है। तो अभी हम नहाते हैं और यहाँ से चलते हैं वहाँ। पीछे देखो भाई मंदिर का जो तालाब वो कितना बड़ा है, बहुत बड़ा भाई, देख लो डूब जाओगे। डूब जाओगे भाई, अब तो इसमें बीच में जो है ना, अब तो यहाँ पर पानी नहीं डाल दे, वरना यहाँ पे बीच में होता था पानी और तकरीबन इतना गहरा कि मेरे जितनी हाइट के 2 बंदे खड़े हो जाए, इतना पानी गहरा। तो यहाँ पे बस ये जो नीचे दिख रहा है ना आपको, छोटा सा जो घाट है यहाँ पे, ये बस यहाँ पे तो कमर तक पानी होगा, लेकिन जो बीच में वहाँ पे पानी होता था पहले बहुत ज्यादा, पूरा भरा देता वो पूरा भरा देता, फिर कुछ बंदा की डेथ वेथ हो गई थी इस चक्कर में, पानी डालना बंद कर दिया था बीच में। तो अभी यहाँ पे जो छोटा तालाब बना रखा है जो नीचे है, इसमें बंदे नहाते हैं और यहाँ से नहाने के बाद
तो भाई जो अपनी परिक्रमा है वो पूरी हो चुकी है और मेरे को तकरीबन एक से लेके तकरीबन 50 मिनट या एक घंटा लग गया होगा वहाँ तक जाने में। यहाँ से जो पीछे जो तालाब था मैंने वहाँ से शुरू किया था और उसका चक्कर लगा के, और फिर मैं तालाब का पूरा चक्कर होने के बाद 600 मीटर तकरीबन 500 या 600 मीटर एग्जैक्ट नहीं पता मेरे को, लेकिन 500 या 600 मीटर तक था मैंने जो किया था ऐसे ही। और मैं हर महीने ऐसे ही लेट लेट कर हर महीने की किसी तारीख को, मतलब जिस दिन भी छठ पूजा होती है उसी दिन जाता हूँ मैं, और अगली बार भी मैं 7 तारीख को 7 अप्रैल को ऐसे ही आऊँगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने कुछ मन्नत मांग रखी है और वो मन्नत तब तक पूरी नहीं होगी ना तब तक मैं ऐसे ही जाता रहूँगा। जनरली लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि पहले मन्नत मांगते हैं तब उनकी पूरी हो जाती है तब वो ऐसे जाते हैं, लेकिन मैं पहले जा रहा हूँ क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो बस ठीक है, कभी मेरी मन्नत पूरी होगी तो मैं आपको वीडियो में बताऊँगा क्या था कैसे था क्या कुछ था। और इन दोनों ने देख लो भाई तब के बैठे हैं तब के इतनी खीर खा गए एक एक कटोरी और ले आए भाई झूठ बोल रहा है, इसकी दूसरी है उसकी पहली है, अरे मेरे तो खीर पूछते भी नहीं है, उतनी है। मेरा एक घंटा हो गया मैं एक घंटा हो गया मेरी दे इसी दुख है, मतलब क्यों लगा लो बस के बताऊं 10 दिन का वर्कआउट एक तरफ और ये हो एक दिन का एक घंटे की मेहनत एक तरफ है। मेरे कपड़े की हालत देख लो क्या हो रखा है, सारे कपड़े मिट्टी पानी कहीं पे कीचड़ कहीं पे कुछ है। वही यही था आज के व्लॉग का जितना भी था जो भी था आपको दिखा दिया। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया तो आप मेरे व्लॉग को सब्सक्राइब करें लाइक शेयर करें शेयर ऐसे खीर खा के शेयर करें यू शेयर करेंगे लाइक करके आना ना भाई इनकी खीर खत्म ना। आप मेरे चैनल ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें शेयर करें प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें और ऐसी वीडियो आपके पास आती रहेंगी। अभी तो ये स्टार्टिंग है, इसके बाद फिटनेस व्लॉगिंग भी है, स्टडी व्लॉगिंग भी है और ट्रेवल व्लॉगिंग भी है, बहुत सी चीजें आपको आगे देखने को मिलेंगी। अभी तकरीबन 8 बज चुके और मैं इसके बाद मैं घर जाऊंगा रेस्ट करूंगा। तब तक के लिए टाटा सी यू बाय बाय।